अजय देवगन की एक और फिल्म का टीजर आया जिसका नाम है भोला। अब टीजर का रिव्यू करूँ उससे पहले आप लोगों को थोड़ी सी फिल्म की जानकारी दे देता हूँ। फिल्म की जानकारी के बाद मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा भाई अजय देवगन की ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है या फिर हिट होने वाली है। इन सब के बारे में बात करें उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे फिल्मों के अपडेट और रिव्यू लाते रहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले फिल्म की। फिल्म का नाम भोला है जो कि 2019 में आई साउथ की एक फिल्म केथी का रीमेक है। फिल्म के मेन लीड रोल में आपको नजर आने वाले हैं अजय देवगन, तब्बू और संजय मिश्रा। अब इनमें से अजय देवगन और तब्बू की तो अभी फिल्म आई है जिसका नाम दृश्यम 2 है, आप लोगों को पता ही है। फिल्म का बजट रखा गया 50 करोड़ के आसपास। खैर बात करें इसके स्टोरी लाइन की तो फिल्म की कहानी है कैसे सजा काट चुके व्यक्ति के बारे में जो जेल से छूटने के बाद पहली बार अपनी बेटी से मिलना चाहता है लेकिन रास्ते में उसका सामना पुलिस और ड्रग माफिया से होता है। खैर दोस्तों अगर आपने इस फिल्म को साउथ में देखा तो आप लोग इसकी पूरी कहानी पता ही होगी कि वो पूरी कहानी इस भोला फिल्म में होने वाली है। बात करते हैं ये फिल्म फ्लॉप होगी या फिर हिट होगी। तो देखो जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर किसी भी फिल्म का रिमेक बनाया जाता तो वो इसलिए बनाया जाता क्योंकि उस लैंग्वेज में उसकी डबिंग नहीं हुई होती। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो अजय देवगन ने रिमेक बनाया है वो ओरिजिनल पहले से ऑलरेडी हिंदी में डब है और दूसरा यार वो हिंदी में डब होकर भी यूट्यूब पर गोल्ड माइन चैनल पर अवेलेबल है। ऐसे में यार ये भोला फिल्म पैसे खर्च करके कौन देखेगा। नहीं यार ये बॉलीवुड वाले क्या कर रहे हैं। नहीं दृश्यम 2 छली उसका रीजन है भाई, दृश्यम 1 काफी अच्छी चली, दृश्यम के पहले भाग को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और उसी रीजन से उसका दूसरा पार्ट भी सुपर हिट हो गया। लेकिन अब ये भोला फिल्म भी इतनी फिल्मों की तरह सुपर हिट होगी इनकी कोई गारंटी नहीं है। यार इसका ओरिजिनल वर्जन अगर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होता तो भाई इस फिल्म के हिट होने का चांस होता, लेकिन अभी तो यार यूट्यूब पर ये फिल्म अवेलेबल है और वो भी हिंदी में। तो इस कारण मुझे लगता है ये फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप होगी। भाई बजट भी कितना है 50 करोड़ और जो ओरिजिनल बनी है उसका तो 25 करोड़ ही है। अब इसका भी बजट तो दोस्तों 20-25 करोड़ ही है लेकिन बॉलीवुड एक्टर क्या ना फीस काफी ज्यादा लेते हैं और इसी रीजन से इनकी फिल्मों का बजट काफी ज्यादा होता है। बात करते हैं भोला के टीजर के बारे में। टीजर 1.5 मिनट के आसपास का है जिसमें स्टार्टिंग में हमें एक आश्रम दिखाया जाता है। अब वो आश्रम वो होता है जिसमें अजय देवगन की बेटी रहती है। आश्रम के बाद सीन आता है जेल के अंदर वाला जिसमें अजय देवगन उल्टा लटक कर बुक पढ़ रहे होते हैं। आगे जेल के अंदर का सीन चलता रहता है जिसमें सीन में तो अजय देवगन चलते और बैकग्राउंड वही उनका इंट्रोडक्शन दे रहा होता है। इसके बाद आगे एक सीन आता है जिसमें अजय देवगन का त्रिशूल लेकर उस गाड़ी के अंदर घुसा देते हैं और फिर टीजर वहीं पर खत्म हो जाता है।